आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सवाल नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इससे जुड़ता हुआ एक सवाल ये आ रहा है कि द कश्मीर फाइल्स जो विवेक रंजन अग्निहोत्री की मूवी थी, अब वो कह रहे हैं कि जिन जिन यूनिवर्सिटी में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री चलाई जाएगी उन यूनिवर्सिटी में हम लोग द कश्मीर फाइल्स का भी स्क्रीनिंग करेंगे। अच्छा, ये जो बोले है उसको हम लोग एक बात बताना चाहते हैं कि कश्मीर फाइल जो है ये डायरेक्ट बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, जो जो देखे है उसको मालूम है, ठीक है। तो मतलब कश्मीर फाइल अगर हम लोग की यूनिवर्सिटी में चलाने का कोशिश करे तो स्टूडेंट्स इधर है प्रोटेस्ट करने के लिए। लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, जबकि प्रधानमंत्री खुद हिंदू, गृह मंत्री भी हिंदू और जितने भी उनके मंत्री है सारे हिंदू है, तो क्या लगता है वाकई में हिंदू खतरे में है? मतलब ये कैसे हो सकते है? इंडिया एक कंट्री है जहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी है और हिंदू मेजोरिटी है ना, तो वैसे कंट्री में 2014 के बाद से गुजरात राइट हम लोग देख चुके, तब बहुत छोटे थे लेकिन उसके बाद से बहुत कुछ देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमको मुझे पर्सनली नहीं लगता कि हिंदू खतरे में है, हम पूरा देश खतरे में है, स्टूडेंट्स खतरे में है, आम नागरिक खतरे पे है। ठीक है, वाकई में ये प्रोपागेंडा है या इसमें सच्चाई दिखाई गई है? देखो बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री है, मतलब वाकई में हम लोग इतने दिन से एक्टिविज्म कर रहे हैं तो हम लोग को पता है कि क्या सच है क्या सच नहीं है। हम लोग न्यूज़पेपर खोलते हैं तो अभी तो गोदी मीडिया आ गया है, इधर उधर भूल मतलब अनाप शनाप सवाल कर रहे हैं हम लोग के स्टूडेंट्स को, ठीक है इधर भी है गोदी मीडिया तो बात वो नहीं है, लेकिन जो मैं बोलने का कोशिश कर रही हूँ मतलब ये डॉक्यूमेंट्री देखना चाहिए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जादवपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस पे चलाई जा रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बताता चलूँ कि ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री है क्या। दरअसल बीबीसी द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री कुछ दिन पहले रिलीज़ की गई जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के बारे में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का सीधा सीधा हाथ था उस गुजरात दंगे में, यानी जो दंगा मुसलमान विरोधी दंगा 2002 में जो हुआ था गुजरात में, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफ़ी हाथ था, जिसको लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है पूरे देश भर में। और अभी कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही है और स्टूडेंट्स जो है इस स्क्रीनिंग को देख रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो पे देख सकते हैं। तो इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद लगभग 58 मिनट का ये वीडियो है, हम यहाँ के स्टूडेंट से बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं स्टूडेंट से। ये फर्स्ट पार्ट मैं फोर्थ टाइम देख रही हूँ, ठीक है। तो पहले तो हम लोग ऑर्गेनाइज किए थे तो इसके लिए तो हम लोग को देखना था पहले, तो हम लोग देखे। तो मतलब ऐसा बात ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट्री निकला है उसके बाद हम लोग को पता चल रहा है कि ये हुआ है, ये बहुत सालों से हो रहा है, मतलब सबको मालूम है। मतलब आज बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री कर दिया तो ऑडियो विजुअल होने से इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है ना, तो कुछ हम लोग देख रहे हैं और कुछ स्क्रीन पे देख रहे हैं तो इसका थोड़ा डिफरेंस है, तो इफ़ेक्ट ज़्यादा करता है हम लोग को, ठीक है। तो ये इसके लिए तो सही है, मतलब डॉक्यूमेंट्री पहला पार्ट मेरा बहुत पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो है पहला पार्ट जो है ना बहुत और थोड़ा मास लेवल में ले जाने से और भी ज़्यादा होता, ठीक है। बहुत ऑफिशियल्स लोगों से बात कर रहा है मतलब, ठीक है, लेकिन जो मतलब इंफॉर्मेशन हम लोग इधर से मतलब हम लोग को मिला है वो बहुत सही इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है मैनिपुलेटेड है प्रोपागेंडा कर रहा है, ठीक है। ट्विटर पे लोग कह रहे हैं कि ये प्रोपागेंडा है, सही नहीं है इसको, मतलब कहीं ना कहीं ये प्रोपागेंडा को दिखाने की कोशिश की जा रही है। बात ये है कि जब से 2014 से बीजेपी समता में आए है, हाँ। प्रोपागेंडा तो वो कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा। मतलब हम लोग स्टूडेंट्स हैं, मेरा 5 साल हो गया, मैं इधर मास्टर्स कर रही हूँ, तो हम लोग एक्टिविज्म में हो मतलब मेरा हो गया 5 साल, ठीक है। मेरा नाम बौरशा बौड़ल है, मैं इधर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में मास्टर्स कर रही हूँ। अच्छा। और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन करती हूँ मैं एक्टिविज्म। एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सवाल नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इससे जुड़ता हुआ एक सवाल ये आ रहा है कि द कश्मीर फाइल्स जो विवेक रंजन अग्निहोत्री की मूवी थी, अब वो कह रहे हैं कि जिन जिन यूनिवर्सिटी में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री चलाई जाएगी उन यूनिवर्सिटी में हम लोग द कश्मीर फाइल्स का भी स्क्रीनिंग करेंगे। अच्छा, ये जो बोले है उसको हम लोग एक बात बताना चाहते हैं कि कश्मीर फाइल जो है ये डायरेक्ट बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, जो जो देखे है उसको मालूम है, ठीक है। तो मतलब कश्मीर फाइल अगर हम लोग की यूनिवर्सिटी में चलाने का कोशिश करे तो स्टूडेंट्स इधर है प्रोटेस्ट करने के लिए, जब
मतलब 2020 में हुआ था कि इधर एक प्रोग्राम में बाबुल सुप्रियो आया था, बाबुल सुप्रियो अब तो तृणमूल में है, तब वो था बीजेपी में। तो हम लोग स्टूडेंट्स, पूरा जादवपुर के स्टूडेंट्स लोग मिलके हम लोग प्रोटेस्ट किया, बोला कि नहीं ऐसे, मतलब ये ऐसा नेता को हम लोग का कैंपस में तो नहीं। कैसा नेता जो, ठीक है, मतलब ये कम्युनल वायलेंस कर रहे, गंदा गंदा बात कर रहे, मतलब महिलाओं के लेके बुरा बुरा बात कर रहे, इधर उधर मतलब कुछ भी बोलते हैं, मतलब बोलने का तो टैक्स नहीं लगता। तो तब क्या हुआ ना, हम लोग बस प्रोटेस्ट किए थे, तो बीजेपी के लोग आके, एबीवीपी के लोग आके, दुर्गा वाहिनी के, मतलब जितना फ्रैक्शन है सब आके हम लोग का यूनियन रूम को पूरा तोड़ा गया, हम लोग के स्टूडेंट्स को मारा गया, हॉस्पिटलाइज हुआ बहुत कोई, हम लोग जानते हैं तो कुछ मतलब बोल देंगे, हम लोग मान लेंगे, इसके लिए तो नहीं है हम लोग। एक और सवाल ये है कि JNU में भी ये स्क्रीनिंग चला जिसको रुकवा दिया गया, साथ ही साथ जामिया में लगभग 13 स्टूडेंट्स को डिटेन भी किया, 12-13 स्टूडेंट्स को डिटेन भी किया गया, और यहाँ पे आज कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में अभी फर्स्ट पार्ट चला। सेकंड पार्ट आपने देखा है? हाँ, मैं सेकंड पार्ट ऑलरेडी देख लिया। कुछ बताएंगे सेकंड पार्ट के बारे? मतलब सेकंड पार्ट, मतलब जो मैं अभी बोल रहा कि मतलब फर्स्ट पार्ट का जो क्रिटिसिज्म मैं बोला कि थोड़ा और मास लेवल पे ले जाने से बहुत सही होता, ठीक है, सेकंड पार्ट में जाके वो क्रिटिसिज्म थोड़ा कम होगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड पार्ट हम लोग जो इंसिडेंट देखे हैं, सफूरा जरगर बोल के एक एक्टिविस्ट थी, उसको मतलब जब वो प्रेगनेंसी में थी तब उसको UAPA चार्ज किया गया, ठीक है, तो और भी पूरा दिल्ली से लेके पूरा इंडिया में बहुत कोई है जिसको UAPA लगाया गया है बिना बात के, ठीक है। तो हम लोग यही बोलना चाह रहे कि मतलब सेकेंड पार्ट में जो है स्टूडेंट, मतलब NRCCA जो मुद्दा हुआ था सरकार के खिलाफ, हाँ, UAPA लगा दिया, मतलब अभी मतलब बात यह है ना कि मतलब क्वेश्चन करने का कोई फ्रीडम नहीं है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है, मतलब तुम कुछ बोल रहे हो, तुम कुछ देख रहे हो, तुम कुछ एनालिसिस दे रहे हो, तुम बोल नहीं सकते हो। भाजपा कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, डेमोक्रेसी कंट्री है हमारा, कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कोशिश है वो चल रहा है 1947 के बाद से ही, कहीं ना कहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पर तो सफल दिखती हुई नज़र आ रही है ना ये बात, मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने का कोशिश तो कर रहे हैं ये लोग बहुत दिनों से, मतलब 1947 से बाद से भी, मतलब RSS बहुत दिन से है। तो मतलब मुझे लगता है कि ये जो हिंदू राष्ट्र का बात बोल रहे हैं ये भी बहुत वेग एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मतलब बिहार से लेके, UP से लेके, राजस्थान से लेके महाराष्ट्र, मतलब तुम जही कहीं पर भी कोई स्टेट में चले जाओ, दलितों पे, मतलब जो लोग लोअर कास्ट से, पिछड़े जाति से है, वो लोग को जैसे ऑप्रेस किया गया, तो कैसा हिंदू राष्ट्र? मतलब तुम एक अपर कास्ट जो लोग ब्राह्मण है उसके बारे में बात कर रहे हो, जो निचले जाति है उसके बारे में तो बात नहीं कर रहे हो। और दो सवाल बहुत ही तेज़ी से, लास्ट टू क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा। पहला ये सवाल है कि लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, जबकि प्रधानमंत्री खुद हिंदू, गृह मंत्री भी हिंदू, और जितने भी उनके मंत्री है सारे हिंदू है, तो क्या लगता है वाकई में हिंदू खतरे में है? मतलब ये कैसे हो सकते, एक इंडिया एक कंट्री है जहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी है और हिंदू मेजोरिटी है ना, तो वैसे कंट्री में 2014 के बाद से गुजरात राइट हम लोग देख चुके, बहुत छोटे थे लेकिन उसके बाद से बहुत कुछ देख चुके हैं, ठीक है, उसके बाद हमको, हम लोग, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि हिंदू खतरे में है, हम पूरा देश खतरे में है, स्टूडेंट्स खतरे में है, आम नागरिक खतरे पे है। लास्ट सवाल ये, हाँ, दो डॉक्यूमेंट्री के, हाँ, दो सीरीज हैं, दोनों सीरीज को आप एक दो वर्ड में क्या कहेंगी कि वाकई में ये प्रोपागेंडा है या इसमें सच्चाई दिखाई गई है? देखो BBC का डॉक्यूमेंट्री है, मतलब वाकई में हम लोग इतने दिन से एक्टिविज्म कर रहे हैं तो हम लोग को पता है कि क्या सच है क्या सच नहीं है। हम लोग न्यूज़पेपर खोलते हैं तो अभी तो गोदी मीडिया आ गया है, इधर उधर भूल मतलब अनाप शनाप सवाल कर रहे हैं हम लोग के स्टूडेंट्स को, ठीक है, इधर भी है गोदी मीडिया तो बात वो नहीं है, लेकिन जो मैं बोलने का कोशिश कर रही हूँ, मतलब ये डॉक्यूमेंट्री देखना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो ऐसा BJP को लेके या RSS को लेके या जो मतलब मोदी को लेके या अमित शाह को लेके ये लोग जो कर रहे हर रोज़ हर दिन, इसको इसका कोई विजुअलाइजेशन नहीं है, ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्री अभी तो हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट्री एक मतलब देखना चाहिए लोग को, क्या, हाँ एकदम देखना चाहिए, मतलब आम जनता को देखना चाहिए क्या हो रहा है दिन हर दिन, क्या हो रहा है स्टूडेंट्स पे, फार्मर्स पे, कल एक जाति के साथ हुआ, कल को हो सकता है एकदम हर कुछ, मतलब इतना दिन एक साल पूरा फार्मर्स लोग क्या किए बैठे थे दिल्ली पे, उन लोगों का क्या एजेंडा था, फिर दिल्ली में भी राइट, हाँ
ये तो टुकड़े गैंग बोल करके भी राइट किया गया। हाँ, मतलब फार्मर्स लोग जो वो फोर फार्म लॉस था, मतलब फार्म जो लॉस था उसको उठाने के लिए बहुत दिन से वो लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग खेती करता है उसको तो मालूम ज़्यादा चलेगा ना कि किससे हम लोग का सुविधा है और किससे सुविधा नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्री हर किसी को देखना चाहिए। हाँ, देखना तो चाहिए। थैंक यू सो मच। जैसा कि अभी हम जादवपुर यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि ये डॉक्यूमेंट्री सबको देखनी चाहिए। देश के जितने भी नागरिक हैं उनको, जितने स्टूडेंट्स हैं उनको ये डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए। और वो उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री एक सच है, इसको देखना चाहिए। जबकि गुजरात द कश्मीर फाइल्स को उन्होंने सीधे सीधे प्रोपेगेंडा बताया। खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।